राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, मैंने पहले वाले वीडियो में आपको सांभर की रेसिपी बताई थी, तो अब मैं बताऊंगी इडली घर में ही बहुत आसान तरीके से और सिर्फ 6 मिनट में इडली बनाना सीखिए मेरे साथ, और बहुत ही स्पंजी और खाने में भी बहुत हल्की। और सबसे बड़ी बात, इडली जो है ऑयल फ्री होती है। तो आइए देर नहीं करते हैं, इसका प्रोसेस मैं बताती हूँ। एक दिन पहले से शुरू हो जाता है। तो आप 4 कटोरी चावल ले लीजिए, और मेज़रमेंट जिस कटोरी से आप चावल लेंगे उसी कटोरी से दाल भी लेंगे। तो इसको कम से कम 12 घंटे तक भिगोना है चावल को और दाल को, और 4 कटोरी चावल और 1 कटोरी दाल, ये मेज़रमेंट है। तो अच्छे से धो लें पहले चावल को, बहुत ही अच्छे से 3-4 पानी से धोने के बाद, और इसमें साफ पानी डाल के इसको भीगने के लिए रख दें। और दाल में भी डाल दें पानी, इसको भी 12 घंटे तक भिगो दें। और चावल में डाल दें थोड़ा सा मेथी दाना, वो भी साथ में भीग जाएगा और साथ में पिस जाएगा, उससे जो उड़द की दाल का बादीपन होता है ना वो ख़त्म हो जाएगा। और रात में अगर इसको भिगो दें तो सुबह आराम से आप इडली बना सकते हैं। तो ये देखिए, रात में मैंने भिगो दिया था, और मैंने छिलके वाली दाल ली है यहाँ पर, आप धुली हुई उड़द की दाल भी ले सकते हैं। तो मैं तो छिलका अलग कर दूँगी, बहुत आराम से हो जाता है मुझसे छिलका अलग। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप धुली उड़द की दाल ले सकते हैं, मार्केट में आराम से मिल जाती है वो। तो मैं बहुत अच्छे से छिलके को अलग कर दूँगी दाल से। और देखिए, चावल भी भीग चुका है, और इसको फिर से धो लेंगे साफ पानी से। और ये देखिए, मैंने दाल से छिलका अलग कर दिया है, और आप चाहे तो धुली दाल ले लें और चाहे तो इस तरह से धो लें, और छिलका अलग हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अच्छे से दोनों को धो के मिक्स कर लें, और मिक्स करके पीसेंगे तो आराम से पीस जाएगा मिक्सर में, आपका बैटर तैयार हो जाएगा। तो दोनों चीज़ आराम से पीस जाएगी। तो ये मैंने मिक्सी में पीस लिया है बैटर, और इसको अब 4 से 5 घंटे के लिए रख देंगे। इसमें अभी कुछ भी नहीं डालना है, इसको ढक के रख देंगे जिससे बैटर हमारा अच्छे से तैयार हो जाए और फ्लफी फ्लफी इडली बने। सांभर की रेसिपी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप लोग देख लें। तो थोड़ा सा पानी डाल देंगे क्योंकि इडली का बैटर इतना गाढ़ा नहीं होता है। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और नए नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इस तरह से बैटर तैयार हो गया है, और बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे, जिस तरह से मेरा बैटर है आप देख सकते हैं। अब इसमें बनाते समय डालेंगे इनो, क्योंकि 3 से 4 घंटे मुझे हो गए हैं रखे हुए बैटर को, और बनाने से पहले तुरंत ही डालेंगे जब आपको बनाना हो, और इस तरह से धीरे धीरे चलाएंगे। तो देखिए, बैटर बहुत अच्छे से फूल रहा है, इससे हमारी इडली बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। और इस तरह से एक ही डायरेक्शन में चलाना है बैटर को, और बहुत अच्छा। और अब जो है हम इडली के सांचों में थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ इसलिए कि चिपके नहीं। और इस तरह से सारे सांचों में ऑयल लगा देंगे, रिफाइंड या ऑयल जो भी आप खाते हो। और दोस्तों, मैं नमक डालना भूल गई थी, लेकिन नमक तुरंत ही डालते हैं जब बनाते हैं, बहुत ज़्यादा नमक नहीं, हल्का नमक डालिए, क्योंकि इसको हम सांभर के साथ खाने वाले हैं तो बहुत ज़्यादा नमक की ज़रूरत नहीं है। और अब सांचों में भर देंगे बैटर, बहुत ज़्यादा नहीं भरेंगे, और इस तरह से सारे सांचों में बैटर भर देंगे, और 6 मिनट में मेरी इडली तैयार हो जाएगी। और 18 इडली वाला सांचा है मेरे पास, तो एक बार में 18 इडली बन जाती है आराम से, और 3 से 4 लोग खा लेते हैं एक बार में। तो इस तरह से पूरा सांचा भर गया है, और अब मैंने पहले से कुकर में थोड़ा सा पानी रख दिया था गर्म होने के लिए,
अब इसी में हम रखेंगे सांचा। और मेरा कुकर थोड़ा सा छोटा है तो इसके लिए हम जुगाड़ कर लेंगे। अब इसके ऊपर ढकेंगे इस तरह से पतीला या भगोना। तो देखिए जुगाड़। तो अब इसको हम सिर्फ घड़ी के देख के 6 मिनट तक पकाएंगे। और 6 मिनट हो चुका है फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से भाप लग रही है। अब इसको चेक करेंगे, तो चेक करने के लिए ये देखिए चाकू इसमें डुबोया और बिल्कुल भी चाकू में नहीं लग रहा है, इसका मतलब हमारी इडली अच्छे से पक गई है। अब इसको हम कपड़े की सहायता से निकाल लेंगे क्योंकि बहुत गर्म होता है और हाथ जल सकता है। और थोड़ा सा इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडे होने के बाद बहुत अच्छे से इडली निकल आती है। ये देखिए हमारी इडली तैयार हो गई है और सिर्फ 6 मिनट में। तो इडली को चाहे हम ठंडा होने के बाद काट के फ्राई करके चाय के साथ नाश्ते के रूप में खा सकते हैं शाम को, या सांभर के साथ। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा, और मैं फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए सबको बाय बाय।